अरे आज दिवाली का दिन है, कुछ तो शांति रखो घर में, हर वक्त लड़ते रहते हो। भैया मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ही इस घर के बेटे नहीं है, मैं भी इस घर का छोटा बेटा हूँ। तो क्या करेगा, मारेगा अपने बड़े भाई को। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगा। वही होगा जो आप चाहोगे? नहीं, इस घर में वो होगा जो मैं चाहूँगा। अरे बच भी करो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। क्या बात है भाई साहब, आज तो दिवाली का दिन है लेकिन बाहर कुछ लड़ाई झगड़े की सी आवाज आ रही है, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, ये हमारा घर का मामला है। आपको इस बात से क्या मतलब, आप अपना काम कीजिए। माफ कीजिएगा गलत टाइम पर आ गया, चलता हूं। लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। हाँ जी कहिए। आप जानते हैं दिवाली क्यों मनाई जाती है? आप ये बता दो। क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारा था, बुराई पर विजय प्राप्त की थी। आप राम को मानते हैं? हाँ जी बिल्कुल मानते हैं। आप राम और रावण के बीच हुए युद्ध के बारे में जानते हैं? हाँ जी जानते हैं। रावण जब रणभूमि में मृत्युशैया पर अंतिम सांसें ले रहा था तो उसने श्री रामचंद्र जी से कहा, राम मैं तुमसे हर बात में श्रेष्ठ हूं, जाति मेरी ब्राह्मण है जो तुमसे श्रेष्ठ है, आयु में भी मैं तुमसे बड़ा हूं, मेरा कुटुंब तुम्हारे कुटुंब से बड़ा है, मेरा वैभव तुमसे अधिक है, तुम्हारा महल स्वर्ण जड़ित है परंतु मेरी पूरी लंका ही स्वर्ण नगरी है, मैं बल और पराक्रम में भी तुमसे श्रेष्ठ हूं, मेरा राज्य तुम्हारे राज्य से बड़ा है, ज्ञान और तपस्या में मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। इतनी श्रेष्ठताओं के होने के बावजूद भी आज रणभूमि में मैं तुमसे परास्त हो गया, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है और मेरा भाई मेरे खिलाफ। आपकी बात मुझे समझ आ गई है भैया, आज से आप जैसा बोलेंगे मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। नहीं मेरे भाई, तू छोटा जरूर है लेकिन तू बहुत समझदार है, मुझे भी तेरी बात माननी चाहिए भैया। देखा अंकल, पॉलिटिक्स में काम करता हूं, मैंने यहाँ भी कुछ ना कुछ जोड़ा ही है। नहीं बेटा, यहाँ आपने कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ जोड़ दिया है, वो भी चंद सेकंडों में। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली बेटो, हैप्पी दिवाली पापा, हैप्पी दिवाली।